अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, तो ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा, तो विदेशों से भी कई विद्वान इसमें आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर दिल्ली से आ रहे हैं ओम प्रकाश पांडे जी जो पूर्व सलाहकार रह चुके हैं प्रधानमंत्री हैं, इसरो वैज्ञानिक जी भी आने की संभावना है, तो वो समापन सत्र में यहाँ पर आएंगे और सम्मिलित होंगे इसे उसमें, बाकी और बहुत ही विद्वान जो आ रहे हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है ये उत्तर प्रदेश में पुराणों में वर्णित प्रमुख तीर्थ उनका ऐतिहासिक एवं संस्कृति महत्व है। ये दो दिवसीय संगोष्ठी है, ये 22 और 23 फरवरी को है हमारे संपूर्ण संसद विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। देखिए प्रमुख रूप से क्या है कि तीर्थ तो हमारे पूरे भारत भर में बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो तीर्थ हैं उनको लोगों के सामने लाएं, जैसे काशी हो गया, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, हाँ सीतामढ़ी हो गई, प्रयागराज है, और इनका महत्व तो है, लेकिन कुछ ऐसे तीर्थ हैं और उपतीर्थ भी हैं जहाँ पर सबकी दृष्टि नहीं जा रही है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस संगोष्ठी के माध्यम से लोग उन तीर्थों को भी सबके जन के सामने लाएँ और हमारी जो धार्मिक एकता है, सांस्कृतिक एकता है, उस पर भी प्रकाश। प्रमुख वक्ता एक तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी हैं जो वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं प्रधानमंत्री के, पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार थे और प्रखर वक्ता हैं वो, और इसरो वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, लेकिन उनको धार्मिक ज्ञान उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो प्रखर वक्ता वो भी रहेंगे। और नरेंद्र नाथ पांडे जी हैं और चंद्रमौली उपाध्याय जी हैं इत्यादि अनेक अनेक वक्ता यहाँ पे आ रहे हैं। क्या जी जी, वो हमारा विषय अयोध्या भी है क्योंकि इतने तीर्थ हैं उसमें अयोध्या भी आता है, उसका महत्व है, और चूंकि अयोध्या आजकल सबके मुख्य बिंदु भी है, तो अयोध्या है, कालपी है, श्रृंगेरपुर है, ये सब सारे तीर्थ हैं, तो उन सभी तीर्थों के विषय भी यहाँ पे चिंतन मनन होगा और लोगों तक ये बात जो है पहुँचाई जाएगी कि तीर्थों के माध्यम से हम सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं और पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का भी इसमें रोल है? जी हाँ, ये अनुदानों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। जी, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ही अनुदान प्राप्त हुआ है उन्हीं की ओर से। जी जी।